एक किसान का चेहरा तब और खिल उठता है जब खेत में खड़ी उसकी फसलें लहलहाती नजर आए। इन लहलहाती फसलों और उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक तरफ किसान की जी तोड़ मेहनत होती है तो दूसरी तरफ खेती से जुड़े उसके सही समय पर लिया गया उचित निर्णय। आज हम आपको गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की उचित मात्रा में प्रयोग के बारे में बताएंगे। गेहूं रबी की एक प्रमुख फसल है जिसका उत्पादन लगभग हम सभी किसान करते हैं। इसकी अच्छी पैदावार हो इसके लिए हम सब रासायनिक खादों विशेषकर यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नाइट्रोजन की उचित मात्रा आपकी खेत और फसल के हिसाब से कितनी होनी चाहिए या फिर कब कब और कितना नाइट्रोजन का प्रयोग आपको करना चाहिए। गेहूं की खेती करने वाले किसानों को अच्छी तरह से पता होता है कि अगर गेहूं की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन की कमी है। ठीक उसी तरह अगर नाइट्रोजन की मात्रा गेहूं की फसल में ज्यादा होगी तो पौधों का विकास तो ज्यादा होगा लेकिन उसमें दाने कम आएंगे और दोनों ही स्थिति में किसानों का नुकसान होगा। इसलिए हम सभी किसानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें सिंचाई की अलग अलग अवस्था में अपने खेतों में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। अगर आपने गेहूं 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच लगाया है और केवल एक बार सिंचाई कर सकते हैं तो एक कट्ठा में आप लगभग 3.25 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का ही प्रयोग करें। लेकिन अगर आप 2 बार सिंचाई कर सकते हैं तो आप 4.25 किलो यूरिया और लगभग 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। अगर सिंचाई 3 बार कर सकते हैं तब भी आपको इसकी इतनी ही मात्रा में यूरिया और डीएपी का प्रयोग करना होगा। अगर आपने गेहूं 21 से 25 नवंबर के बीच लगाया है और 1 बार सिंचाई कर सकते हैं तो आप 2.25 किलो यूरिया और लगभग 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। सिंचाई 2 बार करने की स्थिति में 3.25 किलो यूरिया और लगभग 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। और अगर सिंचाई 3 बार कर सकते हैं तब भी आपको इसी मात्रा में यूरिया और डीएपी का प्रयोग करना होगा। 26 से 30 नवंबर के बीच गेहूं लगाया है और 1 बार सिंचाई कर सकते हैं तो उसके बाद 2.25 किलो यूरिया और लगभग 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें तथा 2 बार सिंचाई कर सकते हैं तो 3.25 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। 3 बार सिंचाई कर सकते हैं तो 2.5 किलो यूरिया और लगभग 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। अगर आप गेहूं 1 से 5 दिसंबर के बीच लगाने वाले हैं तो 1 बार सिंचाई करने के बाद आप 2 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। सिंचाई 2 बार होने की स्थिति में 2.25 किलो यूरिया और लगभग 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। और अगर सिंचाई 3 बार होने की स्थिति है तो 2.25 किलो यूरिया और डीएपी का प्रयोग आपको करना होगा। अगर आप गेहूं 6 से 10 दिसंबर के बीच लगाने वाले हैं तो 1 बार सिंचाई करने के बाद आप 2.25 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। दूसरी सिंचाई के बाद भी इतना ही खाद का प्रयोग करें। तीसरी सिंचाई के बाद 1.5 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। 11 से 15 दिसंबर के बीच में गेहूं लगाते हैं तो 1 बार सिंचाई करने के बाद 1.5 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। सिंचाई 2 बार होने की स्थिति में 2.25 किलो यूरिया और लगभग 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। और सिंचाई 3 बार होने की स्थिति में 1.5 किलो यूरिया और 2.25 किलो डीएपी का प्रयोग करना होगा।
16 से 20 दिसंबर के बीच में गेहूं लगाते हैं तो एक बार सिंचाई करने के बाद लगभग 1.5-1.5 किलो यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें। सिंचाई दो बार होने की स्थिति में लगभग 1.25 किलो यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें और सिंचाई तीन बार होने की स्थिति में 1.5 किलो यूरिया और 1.25 किलो डीएपी का प्रयोग करना होगा। 21 से 25 दिसंबर के बीच में गेहूं लगाते हैं तो एक बार सिंचाई करने के बाद लगभग 1.25 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। सिंचाई दो बार होने की स्थिति में 1.5-1.5 किलो यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें और सिंचाई तीन बार होने की स्थिति में भी इतना ही प्रयोग करना होगा। और अंत में अगर आप 25 दिसंबर के बाद गेहूं लगाते हैं तो एक सिंचाई के बाद 2 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें। सिंचाई दो बार होने की स्थिति में 1.25 किलो यूरिया और 1.5 किलो डीएपी का प्रयोग करें और सिंचाई तीन बार होने की स्थिति में भी इतना ही यूरिया और डीएपी का प्रयोग करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे इन आंकड़ों को देखकर परेशान मत होइएगा। वीडियो देखने के बाद आपको एक कागज का लिफलेट मिलेगा जिस पर इसकी पूरी जानकारी लिखी होगी ताकि जब भी जरूरत हो आप उसे देखकर उसी प्रकार उसका प्रयोग करें। अब आप सभी किसान इसी मात्रा में यूरिया और डीएपी का प्रयोग अपने गेहूं लगाने के समय और सिंचाई के अनुसार करें। आपके गेहूं की फसल को उचित मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा और आपको गेहूं की अच्छी पैदावार। अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से सिंचाई प्रबंधन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।